हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम की। और एलसीएम भी किस पे हम कैलकुलेट करेंगे, पाइथन पर कैलकुलेट करेंगे। बात करें सी की, सी प्लस प्लस की, जावा की, इन सब पे आप एलसीएम कैलकुलेट करना ऑलरेडी सीख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ यूजर। विद द हेल्प ऑफ यूजर हम पाइथन पे कैसे एलसीएम कैलकुलेट करें, तो आज के इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पाइथन की आईडी ओपन कर लेता हूं मैं। यहां देखिए पाइथन की आईडी ओपन हो चुकी है। यहां से फाइल पे जाके न्यू फाइल चूज कर लेता हूं। अब यहां पर हमें कुछ कोडिंग करनी है, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेता हूं ए। ए इज इक्वल टू, जैसा कि नॉर्मल तरीके से हम करते हैं, इंट इनपुट, ये कर दिया हमने। इसके बाद से फिर यहां पर यूजर को स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, एंटर द फर्स्ट नंबर। दो नंबर का एलसीएम हम करा रहे हैं, तो एंटर द फर्स्ट नंबर, यहां पे पहला नंबर यूजर एंटर करेगा, ठीक है। और फिर इसको क्लोज करता हूं, और फिर दूसरा नंबर भी तो यूजर एंटर करेगा, तो यहां पर दो बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर नीचे आएंगे। यहां पर b इज इक्वल टू इंट इनपुट, और फिर यहां पर आएगा डबल इंटेड कॉमा में, सिंगल इंटेड कॉमा भी आप यूज कर सकते हो, एंटर द सेकेंड, ओके, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर। ये कर लेने के बाद आगे क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं सी, ठीक है। यहां पे क्या वेरिएबल बनाएंगे, सी, या फिर एक वेरिएबल मैं बना लेता हूं मैक्स नाम का, ये मैक्स नम कर लेता हूं, मैक्स नम एनयूएम, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, और यहां पर हम एक फंक्शन यूज करेंगे मैक्स, ये मैक्स लगा दिया हमने। और यहां पर ए कॉमा बी, चूंकि दो ही वेरिएबल तो लिए हमने ए और बी, तो यहां पे ए कॉमा बी कर दिया। और अब यहां पे वाइल लूप लगा लेता हूं। वाइल आपको बूलियन डेटा टाइप जरूर पढ़ना चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहां पे लगा देता हूं ट्रू, ओके। और ट्रू लगाने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए, कोलन लगा दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहां पर आइएगा तो यहां पे इफ यूज कर लेता हूं, यहां पे लिखा इफ। अब चूंकि वेरिएबल लिया मैक्स नम नाम से, तो यहां लिखा मैक्स नम, इफ मैक्स नम मॉड्यूलो, यहां मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, जैसे कि सी लैंग्वेज में हम लोग करते थे, ए इज इक्वल टू जीरो एंड मैक्स नम मॉड्यूलो बी इज इक्वल टू जीरो। दोनों में अगर जीरो आंसर आ जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो पक्की बात है। और यहां पर ब्रेक यूज कर रहा हूं, और यहां पे लिखता हूं मैक्स नम इज इक्वल टू, अब इसमें वन ऐड कर देता हूं, इज इक्वल टू मैक्स नम प्लस वन, ओके, ये हमने ऐड कर दिया। अब यहां पे इसी को प्रिंट करवा देंगे, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यहां लिखता हूं प्रिंट, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिंट करवाने के लिए यहां पे सिर्फ प्रिंट ही लिखा जाता है, तो यहां लिख दिया प्रिंट। अच्छा, इसको थोड़ा हम नीचे आएंगे, यहां पर लिखेंगे प्रिंट, और यहां पर लिखता हूं, अच्छा यहां पे एफ लिखता हूं। अब ये एफ का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा डिटेल। एलसीएम इज बी इज, यहां पे मैक्स नम कर देता हूं, और देखिए यहां पे कर्ली ब्रेसेस में मैंने इसे लिखा है, और इन दोनों वेरिएबल्स को भी क्यों ना कर्ली ब्रेसेस में ही लिख दिया जाए। ये हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखा इसे, और यहां पर भी इसे हम कर्ली ब्रेसेस में ही लिखेंगे, ये हो गया। अब इसको क्लोज करने की बारी है, तो डबल इंटेड कॉमा जो हमने लगाया था उसको भी क्लोज कर देंगे, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमारा काम हो गया है, यहां से इसको सेव करता हूं, तो डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे हम, llcm.py इसी नाम से इसे सेव कर रहा हूं, ठीक है। यहां से रन पे क्लिक करूंगा, ये मॉड्यूल, ये रन पे क्लिक कर दिया, यहां क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर द फर्स्ट नंबर। चलिए छोटे तौर पे लेते हैं, यहां दो और चार लेते हैं, देखते हैं एलसीएम कैलकुलेट होता है या नहीं। तो ये देख सकते हैं दो और चार का जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ टू एंड फोर इज क्या आ रहा है, आ रहा है फोर, ठीक है। अगर ये जो कर्ली ब्रेसेस हमने लगाए हैं इनको हटा दे तो क्या होगा, यहां पर देखिए ये हटा दिया हमने, क्या कोई फर्क पड़ेगा, इससे भी हटा देता हूं, केवल मैक्स नम वाला कर्ली ब्रेसेस में रखता हूं।
अब ये हमने हटा दिया और यहां से ओके प्रेस किया तो अभी भी तो वही लिखा हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 7 और 8, तो देखिए 7 और 8 का जो एलसीएम है वो कैलकुलेट होकर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें इसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।